49 का वर्गमूल कितना होता है? वर्गमूल को कैसे लिखते हैं? अंडरूट से। अंडरूट का मतलब क्या होता है? इसका घात 1/2। यहाँ पर हम अपना अभाज्य गुणनखंड विधि काम में लेंगे, ठीक है। इस विधि में करना क्या है? बिल्कुल सिंपल है, दी गई संख्या के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? बिल्कुल सिंपल है, इसमें हमें अपनी अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। तो ये अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्या हैं। 2 से कौन सी संख्याएं विभाज्य होती है जिनका इकाई अंक क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई हो वे संख्या आपके 2 से विभाज्य रहती है, ठीक है। 3 अंकों का योग करने पर यदि 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य। तो यह 2 से विभाज्य नहीं है, इकाई अंक देख के पता कर लिया। 3 से नहीं है, अंकों का योग करके देख लिया। 5 से इकाई अंक 0 या 5 हो, नहीं है। 7 से भाग किया तो 7 का भाग जा रहा है इसमें 49 में 7 बार। यहाँ पे साइड में लिख कर आप भाग देकर देख सकते हैं। फिर 7 में 7 का भाग आपका 1 बार, तो 49 के गुणनखंड क्या आ गया आपके? 7 × 7। हमें क्या चाहिए इसका वर्ग? क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, दो समान संख्या को जोड़ा, 1 बार यहाँ लिख देंगे। 49 का वर्गमूल कितना आ गया? 7।